सभी को मेरा राधे राधे। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि मैं जल्दी से जल्दी आप लोगों को लाइव पढ़ाने लगूँ। तो पिछले वीडियो में हम लोग स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन नंबर 162 तक पढ़ लिए थे, आज उसी के आगे देखते हैं। एक व्यक्ति मैसूर से बंगलौर तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, कुल यात्रा की औसत गति बताएं। तो कुल यात्रा की औसत गति बताना है ना, और जब भी कहें कि औसत गति, तो औसत गति इक्वल टू होता है औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी, सॉरी यहाँ पे जब जाएंगे फिर वापस आएंगे तो हम 2xy + x + y से लगाएंगे, तो 2xy / x + y, तो 2x है 40 किलोमीटर प्रति घंटा तो 40 हो जाएगा, y 60 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आ रहा है तो 60 होगा, दोनों चालें जुड़ जाएंगी, 60 और 40 100 हो जाएगा। 0 से 0, 0 से 0, 4 × 8 8×6 = 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है तथा बी से ए तक 18 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस लौटता है, कुल यात्रा में व्यक्ति की औसत गति बताएं। यहाँ भी हम इसी से लगाएंगे क्योंकि ये जा रहा है फिर वापस आ रहा है, तो 2 × x, x के स्थान पे ये कह रहे हैं ए से बी तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तो 12 लिखेंगे, फिर बी से ए तक कितने किलोमीटर प्रति घंटा, 18 किलोमीटर प्रति घंटा से वापस आता है, 18 फिर दोनों को नीचे जोड़ के लिखेंगे तो 30 आ जाएगा, तो 3 × 10 = 30, 3 × 6 = 18, 2 × 5 = 10, 2 × 3 = 12 हो जाएगा, तो 6 × 12, 12 × 6 = 72, 5 हो जाएगा, 5×5 = 2×7, 5×4 = 20, 14 × 2/5 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक समान गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है तथा बी से ए तक वापस समान गति 45 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटता है, कुल यात्रा के दौरान औसत गति बताएं। तो इसमें भी औसत गति बतानी है ना, देखते हैं। तो 2 × x, ये दिए हैं 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर, तो 36 × 45 / दोनों को प्लस करके लिखेंगे तो 36 और 45, 6×5 = 11, 4×3 = 7, 1 = 8 हो जाएगा, तो 9×9 = 81, 9×4 = 36, 9×1 = 9, 9×5 = 45, 5×20 = 20×2 = 40 किलोमीटर प्रति घंटा, ये औसत चाल आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक यात्रा का एक तिहाई भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा से एक चौथाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया जाता है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति बताएं। तो इसमें भी औसत गति बतानी है ना, एक तिहाई भाग है और एक चौथाई भाग है, तो हम एलसीएम ले लेंगे, एक तिहाई भाग 1/3 और एक चौथाई भाग, तो दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे, ये कुल दूरी आ जाएगी, तो 3×12 किलोमीटर, ये क्या आई है, ये कुल दूरी आई है, कुल दूरी। फिर ये कह रहे हैं 1/1/3 25 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगर हम 12 का एक तिहाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 3×3 = 12, 4×1 = 4, 4 किलोमीटर आ जाएगा, 4 किलोमीटर कितने घंटे, 25 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। फिर
एक चौथाई, ये कह रहे हैं एक चौथाई भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 12 का हम एक चौथाई निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 इंटू में 1/4, 4 के 4, 4 तिहाई 12, 3 किलोमीटर आ जाएगा ना, तो 3 किलोमीटर कितने की गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, 30 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। फिर ये कह रहे हैं शेष दूरी, शेष भागों को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय करता है, तो शेष यहाँ पे देखिए 4 किलोमीटर ये है, 3 किलोमीटर ये है, तो 4 × 3 = 7 किलोमीटर, और कुल कितना है, 12 है, 12 में से 7 किलोमीटर तो हो गया, कितना और बचा है, 5 किलोमीटर और बचा है, 5 किलोमीटर कितने की गति से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ना, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा लिखेंगे। अब यहाँ से हम औसत चाल निकालेंगे, तो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय, कुल दूरी बटे में कुल समय हो जाएगा, कुल समय, तो कुल दूरी टोटल डिस्टेंस कितनी है, 12 है ना, तो कुल दूरी के स्थान पे हम 12 लिखेंगे, 12 बटे में कुल समय, समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल हो जाएगी ना, तो पहली दूरी पहला चाल, तो पहली दूरी कितनी है, 4 है, तो 4/4 25 है, प्लस फिर दूसरा समय लिखेंगे ना, तो दूसरा समय दूरी बटे चाल हो जाएगा, तो दूसरी दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर है, और दूसरा चाल 30 है, प्लस फिर तीसरी दूरी 5 है, और तीसरी चाल 50 है, तो 12 बटे में 3 × 3 = 30, 5 × 5 = 50, तो एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, एलसीएम लेंगे तो 50 आएगा, 50 एलसीएम आ गया, तो 25 × 50, 4 × 8 प्लस 10 × 5 = 50, 5 होगा, 10 × 5 = 50 प्लस 10 × 5 = 50, 5 होगा, फिर 12 बटे में 5 × 5 = 10, 10 × 8 = 18 बटे में 50, 18/50, या फिर हम लिख सकते हैं 12/1 × 50/18, तो 6 × 6 = 12, 6 × 3 = 18, तो 50 × 100, 100/3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक नागपुर से इलाहाबाद जाने वाली रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाती है तथा वापस 150 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आती है, यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल बताएं। अब देखिए रेलगाड़ी जा रही है फिर वापस आ भी रही है, तो हम 2xy/x + y से लगाएंगे ना, तो औसत गति इक्वल टू 2 × x, कितने किलोमीटर घंटा है, 100 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रहा है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे, इंटू में y के स्थान पे 150 किलोमीटर रखेंगे, तो 150 बटे में दोनों को जोड़ेंगे तो 250 आ जाएगा, तो 0 × 0 = 25, 5 × 5 = 15, 5 × 5 = 5, 5 × 2 = 10, 20 × 40, 40 × 120 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, पी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 6 घंटे तक यात्रा करती है तथा अगले 3 घंटे तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटे से चलती है, पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं। तो देखते हैं, दिए है 3 × 5 किलोमीटर प्रति घंटे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हैं, 5 किलोमीटर प्रति घंटा,
तो इसका क्या मतलब है, एक घंटे में 5 किलोमीटर ना, एक घंटे में 5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, तो 2 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी, ये कितना कह रहे हैं, 6 घंटा ना, तो 6 घंटे में कितनी दूरी, 6 घंटे में 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। फिर दिए हैं तथा अगले 3 घंटे तक 6 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 घंटे में 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो 3 घंटे में कितना किलोमीटर, 18 किलोमीटर की दूरी तय करेगा ना। तो हम जानते हैं कि औसत चाल इक्वल टू कुल दूरी बटे में कुल समय, तो कुल दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर ये, 18 किलोमीटर ये है, तो कुल कितनी हो जाएगी, 8 और ये 40, 48 किलोमीटर की टोटल दूरी हो जाएगी, बटे में कुल समय, कुल समय कितना है, 6 घंटा ये है, 3 घंटा ये है, 6 × 3 = 9 हो जाएगा, 9 × 3 = 9, 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 16/3 या फिर 3 × 5 = 15, 5 × 1 = 3 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 किलोमीटर लंबी खाइयों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पार करती है, उसका औसत गति बताएं। तो इसमें भी औसत गति निकालना है, देखते हैं, दिए हैं, कह रहे एक बस क्रमशः 3 लगातार प्रत्येक 3 मीटर लंबी खाइयों को, 3 मीटर, 3 खाइयां है ना, तो तीनों की लंबाई कितनी है, 3 मीटर है, फिर दूसरे की लंबाई 3 मीटर है, तीसरे की लंबाई 3 मीटर है, तो हमें औसत चाल निकालनी है ना, तो औसत चाल इक्वल टू क्या होता है, कुल दूरी बटे में कुल समय, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 3 × 3 = 9 मीटर हो जाएगी, तो 9 ऊपर रखेंगे, बटे में कुल समय, तो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल, तो यहाँ पे T1 पहला, T2 प्लस T3, तो T1 के स्थान पे क्या रखेंगे, दूरी बटे में चाल, तो दूरी कितनी है, 3 किलोमीटर की दूरी है, चाल कितनी है, 10 किलोमीटर है, 3/10, फिर प्लस T2 प्लस दूरी 3 किलोमीटर है, कितने की चाल है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, तो 20 हो जाएगी, प्लस T3 दूरी तो वही रहेगी 3 ही, चाल कितना दिए हैं, 60 दिए हैं, तो 60 लिखेंगे, फिर 9/3 तीनों का एलसीएम लेंगे तो 60 आ जाएगा, 60 तो 10 × 6 = 60, 6 × 3 = 18 प्लस 20 × 3 = 60, 3 × 3 = 9, 6 × 1 आ जाएगा, प्लस में 3 होगा, तो 9/18, 18 में 9 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, 27 × 3 = 30 आ जाएगा, 30/60, 30 × 1 = 30, 30 × 2 = 60, 9 × 2 = 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलकत्ता की यात्रा के दौरान एक टैक्सी कुल दूरी का 50% भाग तथा 50% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से 40% दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तथा शेष बची दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, कुल यात्रा के दौरान औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में बताएं, देखते हैं, तो यहाँ पे परसेंट दिए है ना, तो कुल दूरी हम कितना मानेंगे, 100 मान लेते हैं, तो टोटल दूरी हो जाएगी 100 किलोमीटर ना, तो ये कह रहे हैं 50% भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 50 किलोमीटर की दूरी कितने, कितने की चाल से, 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, फिर
दूसरा दिए है करीब 40% की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो 40 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। फिर यहाँ भी देखिए टोटल डिस्टेंस कितनी है, 100 है ना, 100 में से 50 किलोमीटर ये है, 40 किलोमीटर ये है, तो 90 हो गया ना, 90 किलोमीटर तो जा चुकी है, कितनी शेष बची है 100 में से, 10 किलोमीटर और बची है, तो 10 किलोमीटर कितने की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो हमें औसत चाल निकालनी है, तो औसत चाल इक्वल टू क्या, कुल दूरी, कुल दूरी कितनी है 100 किलोमीटर है ना, तो कुल दूरी के स्थान पे हम 100 रखेंगे, बटे में कुल समय, दूरी बटे चाल हो जाएगा, तो दूरी कितनी है 50, चाल कितनी है 50 है, प्लस दूसरा समय, तो 40 बटे 40, प्लस तीसरा 10 बटे में 20 हो जाएगा, तो 100 बटे में 50 से 50 कैंसिल, 40 से 40 कैंसिल, और ये 0 से 0 कैंसिल, तो 1 1 2, 2 में आधा जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5, यहाँ से हम पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे एक जीरो बढ़ेगा, तो 25 एक के 25, 25 चौका 100, तो औसत चाल कितनी आ गई, 40 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी बेलगांव से सियालदह तक 20 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से जाती है तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से वापस आती है, तो पूरी यात्रा में औसत चाल बताइए। तो यहाँ पे भी औसत चाल बतानी है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ रही है, तो हम क्या लगाएंगे, 2xy बाई x प्लस y से लगाएंगे, 2 इंटू में x 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ रही है, तो 30 रखेंगे, बटे में इन दोनों को प्लस करेंगे, तो 50 हो जाएगा ना, तो 0 से 0, 5 एक के 5, 5 छक 30, 2 दूना 4, 4 छक 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक रेलगाड़ी हावड़ा से बादले तक नियत गति 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है परंतु वापस 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से दौड़ती है, कुल यात्रा की औसत गति बताएं। तो इसे भी हम ऐसे ही लगाएंगे जैसे इसे लगाए हैं, तो कह रहे हैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे से जाती है, तो 2 इंटू में 20 और 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ रही है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से वापस आ रही है, ठीक है, बटे में इन दोनों को प्लस करेंगे, 50, 0 से 0, 5 एक के 5 छक 30, तो 6 चौक 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया ना, ये औसत चाल आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कार 7-7 किलोमीटर की क्रमिक चार दूरियों को क्रमशः 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, इस दूरी के लिए उसकी औसत गति बताइए। तो देखते हैं, चार क्रमिक दूरियां है ना, एक कार 7-7 किलोमीटर की, ठीक है, दूरी कितनी है 7 किलोमीटर है ना, 7 किलोमीटर ये पहली दूरी हो गई, कितने की चाल से 20 किलो 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, फिर दूसरी दूरी भी 7 किलोमीटर है, कितने की 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, फिर तीसरी दूरी 7 किलोमीटर है, तीसरी भी दूरी 7 किलोमीटर है, कितने की गति से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है प्रति घंटा, फिर चौथी दूरी है, चौथी दूरी भी 7 किलोमीटर है,
कितने की गति से? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही है। तो यहाँ से भी हम औसत एवरेज औसत चाल निकालेंगे, तो 7 7 7 7 टोटल दूरी कितनी हो जाएगी? 28 हो जाएगी। 28 बटे में कुल समय कितना? दूरी बटे चाल हो जाएगी। तो 7 बटे में 10 प्लस 7 बटे 20 दूसरा समय, तीसरा समय 7 बटे 30 प्लस 7 बटे तो 28 बटे में 7 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे 10। तो यहाँ से फिर 60 एलसीएम ले लेंगे तो 10 6 60 6 हो जाएगा प्लस 20 3 60 प्लस 30 2 60 6 1 6 हो जाएगा। तो 7 1 7 7 4 28 आ गया। तो 4 बटे 6 3 9 9 1 10 2 12 बटे 7 12 1 12 12 5 60 5 ऊपर जाएगा तो 4 से गुणा हो जाएगा। तो 5 4 20 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है। एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट यात्रा करता है यदि वह पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और शेष 45 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से करता है तो उसकी यात्रा की कुल दूरी बताएं। तो इसमें भी कुल दूरी बतानी है ना। देखते हैं, तो ये दिए हैं, कह रहे हैं एक व्यक्ति 5 घंटे 15 मिनट में यात्रा करते हैं। तो यहाँ पे दूरी तो क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल हो जाएगा। तो आधी दूरी मान लीजिए डी है, बटे में चाल। चाल कितनी दिए हैं? कह रहे पहली आधी यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, तो चाल के स्थान पे 60 रखेंगे प्लस आधी दूरी, तो 60 की चाल से जा रहा है। फिर आधी दूरी कितने की चाल से? 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो 45 हो जाएगा। इक्वल टू कितना समय लग रहा है? 5 घंटे 15 मिनट। तो 5 घंटे 15 मिनट को 5 घंटे को भी हम मिनट में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा? 300 मिनट। 300 मिनट में 15 जोड़ेंगे तो 315 आ जाएगा। तो यहाँ पे 315 बटे में मिनट में है ना, तो हम घंटे में चेंज करेंगे तो 60 से भाग दे देंगे तो 15 15 चौका 60 15 3 45 15 चौका 60 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे 3 4 12 आ जाएगा। तो ये 3D प्लस में 4D इक्वल टू 22 12 इक्वल टू 315 बटे में 4 हो जाएगा। 4 1 4 3 12 4 3 7 7 डी आ जाएगा। 7 1 7 7 4 28 7 5 35 तो 45 का गुणा 3 में कराएंगे तो डी इक्वल टू 3 5 15 3 4 12 1 13 तो डी कितनी आ गई दूरी? 135 आ गई। ये तो आधी दूरी आई है, टोटल दूरी कितनी है? 1D 2D है ना। तो हम डी में 2 से गुणा कराएंगे, दूरी को 2 गुना कर देंगे तो इंटू में 2, 5 2 10 3 2 6 7 2 1 2 तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई? 270 किलोमीटर आ गई। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक निश्चित यात्रा को तय करने के लिए ए तथा बी की गतियों का अनुपात 3:4 है। एक गंतव्य तक पहुंचने में बी से 30 मिनट अधिक लेता है, बताएं ए द्वारा लिया गया समय कितना होगा? देखते हैं, दिए हैं दोनों की चाल, दिए हैं ए और बी की चाल दिए हैं, 3:4 दिए हैं, 3 और 4 दिए हैं। ये ए है और ये बी है, दोनों की चाल है। तो चाल का उल्टा समय होता है, तो समय कितना हो जाएगा? समय हो जाएगा
4:3 हो जाएगा ना। तो ये कह रहे हैं 20 से 30 मिनट अधिक लेता है, यहाँ पे कितना ज़्यादा ले रहा है, यहाँ पे दोनों का अंतर कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, लेकिन वो कितना कह रहे हैं, वो 30 मिनट कह रहे हैं ना। तो अगर हम इसमें 30 से गुणा करा देंगे तो 30 मिनट आ जाएगा, लेकिन तब 30 से सब में कराना पड़ेगा, बी में भी और ए में भी। तो 3×4=12, 120 मिनट, और ये 3×3=9, 90 मिनट आ गया। तो ये कह रहे हैं ए द्वारा लिया गया समय बताइए, तो 120 मिनट आ गया ना, तो कितने घंटा, 2 घंटा, तो 2 घंटे का समय लगेगा।